एक तरफ तो सरकार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देती है, लेकिन जब यही बेटियां पढ़ने के लिए अपने घर से दूर छात्रावास जाती हैं, तो उनके लिए भयमुक्त माहौल बनाने की जगह ऐसा माहौल बनाया जाता है जिसमें बेटियां खुद वहां रहना नहीं चाहती। ऐसा ही खराब माहौल बालिका छात्रावास डिंडौरी का है, जहां शिक्षक से लेकर प्यून तक छात्राओं के सामने दारू पीते हैं, मुर्गा पार्टी करते हैं। तो आप ही सोचिए, ऐसे माहौल में कौन से माँ बाप अपनी बेटियों को पढ़ने के लिए भेजेंगे। ये मामला कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास का है, जहां छात्राओं की उपस्थिति में कुछ शिक्षक सहित स्टाफ रात में शराब मुर्गा पार्टी कर रहा है। सहायक रसोईया ललिया बाई ने बताया कि स्कूल के स्टाफ द्वारा उन्हें मजबूर किया जाता है मुर्गा बनाने के लिए, और इन सब की जानकारी छात्रावास की अधीक्षिका कौशल्या को भी है। जब यहाँ छात्राएं रहती हैं तो फिर क्यों यहाँ पर हमें मुर्गा बनाने के लिए मजबूर किया जाता है। वहीं इस मामले में आरोपी कंप्यूटर ऑपरेटर शोभाराम ध्रुवे ने बताया कि विद्यालय के प्यून दीपक ने मैडम से मुर्गा बनवाने की अनुमति ली थी। अनुमति मिलने के बाद ही रसोईया ललिया बाई ने मुर्गा बनाया था। दारू पी के आए, मुर्गा बनाओ, उसमें दो लड़कियां और रहे, क्योंकि मुर्गा बनाओ। इसके बाद फोन लगाए कि जल्दी से दे दो बाई। इसके बाद दो लड़कियां साथ में थे, मुर्गा बनाए, रोटी बनाए, दे दिए, और आज उसी के वजह से मेरे को निकाल रहे हैं। क्यों है वहां अलाउ मुर्गा बनाने का, जबकि लड़कियां हॉस्टल हैं। पूरी गलती मैडम की है। वहीं विद्यालय के प्राचार्य साहब सिंह मरावी ने कहा कि छात्रावास में पुरुषों का जाना वर्जित है, मामले की जांच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। वहीं इस मामले को लेकर बीजेपी नेता ने कहा कि ये बहुत ही निंदनीय घटना है, हम दोषियों पर कार्रवाई करवाकर रहेंगे। बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि बच्चियां रहती हैं वहां, छोटी बच्चियां नहीं है, 9वीं से 12वीं तक की बच्चियां हैं, और उन बच्चियों के साथ में रात में वहां जाना किसी जेंट्स का, ये उचित नहीं है, बिल्कुल किसी भी कंडीशन में उचित। सूत्रों के हवाले से ये भी जानकारी मिली है कि वहां पे जो है आपके जो भी अधीक्षिका हैं कौशल्या मरावी जी, नहीं बहुत गलत है ये जो आप बता रहे हैं कि शिक्षक लोग रात में जा कर के और वहाँ इस प्रकार से कृत्य करते हैं, तो ये अच्छा नहीं है। इन टीचरों का भी नाम सामने आने पर हम लोग बिल्कुल उनके ऊपर बख्शेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।